नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक ऐसा बयान आया बहुजन विकास अघाड़ी के प्रवक्ता की तरफ से जिसके बाद में शिव सैनिकों में एक अलग हलचल मच गई। उन्होंने बयान दिया कि हो सकता है कि भविष्य में बहुजन विकास अघाड़ी के साथ मिलकर आगामी आने वाला महानगर पालिका का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस निर्णय को फाइनल नहीं बताया, उन्होंने कहा कि ये निर्णय का फैसला अध्यक्ष करेंगे, किसी भी पार्टी के प्रमुख करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह बयान इन दिनों देना जायज था? शिव सैनिक अपनी तरफ से अलग अलग बयान देना उन्होंने भी शुरू कर दिया। उन्होंने इस तरह के बयान को सिरे से खारिज कर दिया और कई सारे तर्क दे दिए। उन्होंने ये भी कहा कि बहुजन विकास अघाड़ी अगर साथ आना चाहती या ऐसी कोई भी गुंजाइश वो रखती तो परिवहन सेवा बस का जब उद्घाटन था, शासकीय कार्यक्रम था, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे आए थे, तब मंच पर उस स्टेज पर उनका भी स्थान था, यानी बहुजन विकास अघाड़ी के तीनों आमदार को भी आना था लेकिन वे नहीं उपस्थित हुए, इसका भी उन्होंने तर्क दिया। 29 गांवों के मुद्दे पर भी उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि शिवसेना चाहती है और खासकर 29 गांवों के लोग ये चाहते हैं कि ये 29 गांव महापालिका से अलग हो जाए, लेकिन इस पर बहुजन विकास अघाड़ी का स्टैंड अलग है। तो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी अगर गठबंधन बने तो उसके लिए कोई तो गुंजाइश होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है विचारधारा और काम के हिसाब से। दूसरी तरफ एक बयान और दिया शिव सैनिकों ने। उन्होंने कहा कि 30 वर्षों से लगातार हम जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उसे अब हम एक झटके में कैसे मान सकते हैं। इसके अलावा शिरीष चौहान जो पूर्व जिला प्रमुख हैं, उन्होंने तो एक बयान देते हुए फ़ोन पर हमारी बातचीत में, चूंकि वो रत्नागिरी में गए हैं एक पंचायत चुनाव को लेकर, वहाँ पर व्यस्त हैं, फ़ोन पर हमारी बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसे निर्णय पर, यानी महाविकास अघाड़ी में शामिल होकर बहुजन विकास अघाड़ी के साथ गठबंधन करने के लिए हम तैयार हो सकते हैं, लेकिन उन्हें 50 से अधिक सीटें शिवसेना को दें, ऐसा मंजूर करें तो हम विचार करेंगे, लेकिन 50 से अधिक सीटें। लेकिन शिवसेना के इस तरह के तर्क पर तमाम अलग अलग लोगों ने तर्क दिया। प्रमोद दलवी जो नालासोपारा विधानसभा संगठक हैं, उन्होंने भी अपना बयान दिया। नवीन दुबे जो शिवसेना के जिला उप प्रमुख है, उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पे बयान देते हुए इस पूरे इस तरह के बयान को खारिज करते हुए अपना मत रख। सुनिए शिव सैनिकों ने क्या कुछ कहा। और रहा सवाल कि चर्चा का, जीजू ने ऐसा ऐसा कहा, तो ऐसी कोई भी चर्चा अभी तक अधिकृत रूप से हमारे पार्टी में हमारे नेताओं ने से हमारे तरफ अभी तक कोई भी ऐसी कोई चर्चा नहीं आई है। और मैं समझता हूँ क्या ये एक राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि जिस हिसाब से वसई तालुका का माहौल बन रहा है, जिस हिसाब से बहुजन विकास आघाड़ी के कई नगर सेवक शिवसेना में आने के लिए इच्छुक है और हमारे चर्चा में है, तो उस हिसाब से दिशा भूल करने के लिए और एक राजनीतिक एक वातावरण के लिए वो अपने लिए इस भूमिका को बता रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता, महाविकास आघाड़ी की बात करें तो जब हमारी बस सेवा का जब उद्घाटन जब हुआ था, जब हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, रविंद्र फाटक साहब, गावित साहब सब आए हुए थे, कमिश्नर साहब थे, कांग्रेस के भी जिला अध्यक्ष थे उस मंच के ऊपर, तब मुझे लगता है जो एक ही पार्टी वहाँ पर अनुपस्थित थी वो थी बहुजन विकास आघाड़ी। अगर इन्हें इतना उन्हें लगता था महाविकास आघाड़ी के लिए, या इतना उनकी भूमिका बहुत ही अच्छी रहती थी या पॉजिटिव रहती थी, तो उस दिन शायद वो उस मंच पर रहते थे, बल्कि उस कार्यक्रम का विरोध नहीं करते थे। तो ऐसी कई सारी बातें हैं, कई सारी भूमिकाएँ गाँव का महानगर पालिका में से निकालने वाली बातें, वो ऐसी कई बातें। खैर, मैं आज उनमें जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी उस बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन सही समय पे उस चीज़ का जवाब दिया जाएगा। देखिए, वसई नालासोपारा बोईसर का कुछ भाग, ये तीन मतलब अढ़ाई विधानसभा का भाग ये वसई विरार महानगर पालिका में आता है। अगर ये अढ़ाई विधानसभा का, अगर आप विधानसभा चुनाव में भी अगर आप वोटिंग का प्रतिशत देखेंगे तो करीबन 2 लाख लोगों के ऊपर के लोगों ने शिवसेना को, हमारे धनुष बाण को मतदान दिया। हालांकि उस समय बीजेपी की क्या परिस्थिति, बीजेपी ने क्या भूमिका ली थी, बीजेपी ने कैसा धोखाधड़ी की थी, इसे सब लोग जानते हैं। इसलिए जो 2 लाख शिवसेना के जो मतदार हैं, मैं समझता हूं कि 2 लाख मतदारों के साथ हम विश्वासघात नहीं करेंगे, उनकी भावनाओं को हम लेके चलेंगे। रहा सवाल उस चुनाव के बाद, वसई तालुका के अंदर एक चुनाव हुआ था, वसई पंचायत समिति का चुनाव, और आज सभापति शिवसेना का बेटा, वो चुनाव हम जीते थे, और कई साल के बाद सभापति पद के ऊपर पहली बार मैं समझता हूँ पंचायत समिति में
में पहली बार सभापति शिवसेना का बना है, इसलिए परिवर्तन की हवा की जो शुरुआत हुई है यही परिवर्तन की हवा महानगर पालिका में भी चलेगी। और जो कभी किसी ने नहीं सोचा था ऐसा एक रिजल्ट आएगा शिवसेना के फेवर का। ऐसा है, व्यक्तिगत तौर पर मैं राजू पाटिल जी का सम्मान करता हूँ, फिर उन्होंने जो बात कही है वो गंदी बात है, और इतना पढ़ा लिखा आदमी ऐसी कैसी बात करता है मुझे मालूम नहीं है। ऐसा कही हमारे मुख्यमंत्री जी है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, इन्होंने तो कोई ऐसा बयान दिया नहीं है। ना हमारे नगर विकास मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने बयान दिया है, ना हमारे संपर्क प्रमुख जी ने ऐसा बयान दिया है, ना हमारे जिला प्रमुख ने ऐसा बयान दिया है। फिर अजू पाटिल ने ऐसा बयान क्यों दिया मुझे मालूम नहीं है। उनकी पार्टी में जो बगावत चल रही है वो बगावत रोकने के लिए उन्होंने ऐसा गंदा बयान दिया है। ऐसा है कि वसई की जनता को इस टाइम पे परिवर्तन चाहिए, और इस टाइम पे हमारा एक एक शिवसैनिक इनके खिलाफ लड़ेगा और हम सत्ता के करीब जाएंगे। इन सब बयानों को सुनने के बाद में एक बात तो साफ है कि कहीं न कहीं इस तरह के गठबंधन की कोई भी गुंजाइश अभी नज़र नहीं आ रही है। एकनाथ शिंदे ने जिस प्रकार से चुनाव को गंभीरता से देख रहे हैं, जिस प्रकार से शिवसेना में बहुजन विकास अघाड़ी से आने वाले लोगों की चर्चाएं तेज हैं, और जिस प्रकार से बीते दिनों एक बड़े नेता के शिवसेना में बहुजन विकास अघाड़ी से आने की चर्चा बहुत तेज है, उससे तो एक बात तो साफ है कि नगर विकास मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आगामी आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं। यानी चुनाव में कहीं भी गठबंधन करने की कोई भी गुंजाइश नज़र फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। आने वाले समय में क्या क्या होगा वो तो अलग बताएगा, लेकिन इस समय के हालात से ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तमाम शिवसैनिक अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। बहुजन विकास अघाड़ी भी मीटिंग्स करना शुरू कर दी है, छोटे स्तर पर बड़े स्तर पर बातचीत करना उसने भी शुरू कर दिया है, तर्क वितर्क जारी हो चुका है। आगामी चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, सुनने में आया है कि मार्च में हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये पूरा जो चुनावी अखाड़ा है वो तैयार हो चुका है, तर्क वितर्क शुरू हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।